तो आज की वीडियो में आप सभी को लिए लेकर आए हैं सेलेफ की वैकेंसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसके उत्तर भी साथ में हम आपको बताएंगे। तो सीएलएफ प्रबंधक, सीएलएफ लेखाकार, एमआईएस सहायक, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है प्रश्न उत्तर की, वो पार्ट वन था, ये पार्ट टू है। तो इसमें हम आपको और आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप के ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शामिल हो सकती हैं स्वयं सहायता समूह में कैसी महिलाओं को शामिल किया जाता है? अमीर महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, अत्यंत गरीब महिलाओं को? तो यहाँ पर बी और सी सही होगा, ठीक है, गरीब महिलाओं को, अत्यंत गरीब महिलाओं को। अगला प्रश्न है कि सीएलएफ की आम सभा कम से कम कितने समय पर होनी चाहिए? तो वर्ष में एक बार। वीओ द्वारा समूह को दिया गया उधार पर क्या ब्याज दर लगती है? तो वीओ द्वारा अगर समूह को कोई ब्याज पर पैसा दिया गया है तो 9% वार्षिक ब्याज दर लगती है, 9% वार्षिक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ग्राम संगठन समूह को उधार पैसा देता है तो समूह से जो है वो 9% वार्षिक ब्याज पर पैसा वापसी लेगा, और समूह से अगर कोई दीदी पैसा लेती है तो वो समूह का ही ब्याज लगता है। अगला प्रश्न है कि समूह गठन के कितने महीनों बाद आरएफ मिल सकता है? तो 3 महीने बाद फंड मिलना शुरू होता है, पहला फंड 3 महीना पुराने समूह को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि बैंक खाते में कम से कम कितने हस्ताक्षरकर्ता होने चाहिए? तो 3, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि स्वेप का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। डीएमएमयू क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर यूनिट होती है। सीएलएफ का सांविधिक लेखा परीक्षा ऑडिट कितने समय पर होना चाहिए? तो वर्ष में एक बार। बैंक से सीसीएल द्वारा दिया गया उधार पर क्या ब्याज दर लगती? 7% वार्षिक लगती है। समूह में निर्णय किससे पूछकर लिया जाना चाहिए? सभी सदस्यों से पूछकर निर्णय लिया जाना चाहिए, कोई भी पदाधिकारी मनमानी नहीं कर सकता, या समूह सखी मनमानी नहीं कर सकती, या बी के मनमानी नहीं कर सकती, सभी सदस्यों से पूछकर ही निर्णय लिया जाएगा। समूह में उपयोग होने वाले रजिस्टर डीसीबी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डिमांड कलेक्शन बैलेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एनआईआरडी क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उधार सदस्यों के लिए क्या है? तो दायित्व। समूह में ब्याज कैसे लिया जाता है? घटते क्रम में। घटते क्रम में कैसे? जब आपके ऊपर मतलब 10,000 रुपये आपने समूह से उधार लिए हैं और आपके उस पर 100 रुपये ब्याज बनता है एक महीने का, तो आप 10,000 में से एक किस्त जमा करेंगी और 100 रुपये ब्याज देंगी, अगले बार आपका पैसा कम हो जाएगा तो ब्याज भी कम हो जाएगा, तो घटते क्रम में। समूह में चर्चा सबसे पहले किस मुद्दे पर होनी चाहिए? समूह में चर्चा सबसे पहले पिछली बैठक की समीक्षा पर होनी चाहिए। कौन चाहे तो समूह को बंद कर सकता है? तो सदस्यगण, समूह की दीदियां मिलकर अगर चाहें तो अपने समूह को बंद कर सकती हैं। समूह में सबसे पहले किसकी मांग होनी चाहिए? जब समूह की बैठक होती सबसे पहले आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बचत की जानी चाहिए, 10 रुपये की, 20 रुपये की, जो भी बचत हो रही सबसे पहले उसकी मांग होनी चाहिए। रजिस्टर में विधिवत लिखना चाहिए, फिर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि वीजीएफ की धनराशि कितनी होती है? तो 20 लाख रुपये वीजीएफ की धनराशि यहाँ पर बताई गई है। वीजीएफ की धनराशि कितने बार में आती है? तो 3 बार में अलग अलग करके आती है। वीजीएफ की धनराशि आने का अनुपात क्या है? तो 5:3:2 है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर एक स्वतंत्र समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? समूह को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। लोन का अर्थ क्या है? लोन का अर्थ है ऋण, उधार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू हुआ? 2011 में। प्रधानमंत्री गरीब आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित आवास इकाई किसके नाम से होनी चाहिए? तो घर की महिला के नाम से। संकुल स्तरीय संघ यानी सीएलएफ की बैठक में किसी भी आर्थिक निर्णय के लिए कितने सदस्य का होना आवश्यक है? तो 3/4 सदस्य हो गए तभी आर्थिक निर्णय लिया जाएगा और वो पूरा होगा, सहमति होगी। आईपीआरपी दीदी किस स्तर पर पदस्थ होती है? संकुल स्तरीय संघ। देखिए पदस्थ पूछ लिया, वहां पर तैनात पूछा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी मई 2016 में।
अगला प्रश्न है कि आय व्यय खाता किसके अंतर्गत आता है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसके अंतर्गत आता है, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत। एक मुनीम की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, दैनिक पुस्तक लिखने की जिम्मेदारी है। एक मुनीम के लिए सबसे बड़ा कौशल क्या है, सटीक दैनिक लेखन, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं सेल्फ अकाउंटेंट के लिए। अवधारणा कितने प्रकार की, लेखांकन की अवधारणा, अकाउंटिंग की अवधारणा 7 प्रकार की। कैश बुक कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। खाते के 3 गोल्डन नियम कौन से हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, ये सभी खाते। बही खाता पद्धति क्या है, बही खाता पद्धति व्यवसाय के दौरान होने वाले सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने, व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। जिस तरह से बही खाता पद्धति का प्रबंधन किया जाता है वह समग्र लेखांकन प्रक्रिया की सटीकता को निर्धारित करता है जिसका व्यवसाय द्वारा पालन किया जाता है। बही खाता पद्धति सुनिश्चित करती है कि वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड है। तो ये सारी बातें सही हैं, तो ये सभी पे उत्तर लगा है कि बही खाता पद्धति ये सब है, ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न कि बही खाता पद्धति सभी व्यवसायों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बही खाता पद्धति प्राप्ति और भुगतान पर नज़र रखने में मदद करती, व्यापार के लिए हर दूसरे लेन देन की बिक्री खरीद रिकॉर्ड कर रखती है, यह आय व्यय अन्य खाता बही को संक्षेप में प्रस्तुत करने की मदद करती है, तो इसलिए यह सभी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कि बही खाता पद्धति के कार्य और उदाहरण बताइए। बेचे गए माल या ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए जो बिल होते हैं, बिलिंग, ग्राहकों से प्राप्तियों की रिकॉर्डिंग, आपूर्तिकर्ताओं से चालान का सत्यापन और रिकॉर्डिंग, तो ये सभी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि किसी SSG द्वारा 2% मासिक ब्याज लिया जाता है, एक वर्ष में लिए गए ब्याज की दर क्या होगी, 24% यहाँ पर लिखा है। अगर 2% समूह में ब्याज लग रहा है तो वार्षिक ब्याज 24% होगा। सीता ने 5% मासिक पर एक साहूकार से 5,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। लक्ष्मी समूह से 5,000 लेती है, वह हर महीने ब्याज के साथ 500 रुपये लौटाती है, कितने महीने बाद ऋण चुका पाएगी, यहाँ पे सी उत्तर दिया 10, ठीक है। उसके बाद किसी राशि पर 2% वार्षिक की दर से 5 साल में ब्याज की रकम 2,000 होता है, मूलधन क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मूलधन दिया हुआ है उत्तर। अगला प्रश्न है किसी समूह में 50,000 की राशि को 6 लोगों में बांटना है, उनमें से 2 लोगों में प्रत्येक को 10,000 रुपये चाहिए, बाकी बचे लोगों को बराबर की राशि वितरित करनी है, तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी, तो इस तरह से उत्तर। इस तरह से मैथ के क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन कुछ आपको तैयार करने होंगे इस टाइप से, ब्याज वाले, प्रतिशत वाले भी। इतने समय के बाद एक समूह CIF के लिए पात्र होता है, 6 महीने बाद समूह को CIF का पैसा मिलता है। SSG और VO बैठकों और रिकॉर्ड की देखरेख के लिए कौन सा कैडर जिम्मेदार है, समूह सखी। समूह सखी जो है समूहों की बैठक कराएगी, रजिस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन कराएगी, रजिस्टर लिखवाने में मदद करेगी और ग्राम संगठन की भी, लेकिन वहाँ समूह या ग्राम संगठन का पैसा जो है नहीं निकाल सकती है, वो पदाधिकारी ही हस्ताक्षर करके निकालते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट, रसीद, बिल और जो भी दस्तावेज होते हैं वो पदाधिकारी के ही, समूह ग्राम संगठन के ही पास रहते हैं। एक क्लस्टर के स्तर के संघ को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की कितनी राशि प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 2,50,000 रुपये दिया है, ठीक है। और फिर क्लस्टर स्तर के संघ में भुगतान और पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो बुक कीपर रखता है। कौन सा कैडर समूह को बैंक खाता खुलवाने में सहायता प्रदान करता है, तो बैंक सखी समूह का खाता खुलवाने में जो है सहायता करती है। एक क्लस्टर स्तरीय संघ में EC सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, कार्यकारी समिति, तो ग्राम संगठन की संख्या का 2 गुना। ग्राम संगठन में जितनी संख्या होगी उसका 2 गुना जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन में CLF में कार्यकारी समिति की संख्या होगी, जितनी मतलब ग्राम संगठन की कार्यकारी है उससे दुगुनी। समूह का रजिस्टर लिखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सचिव की होती है। समूह का रजिस्टर सचिव की जिम्मेदारी है लिखना, वही BK का कार्य करेगी। यदि वो नहीं करना चाहती है, कोई पदाधिकारी नहीं करना चाहती है, समूह सखी की जिम्मेदारी है कि लिखवाए, वरना समूह का भी अपना एक BK कोई अपनी ही दीदी में से चयनित कर सकते हैं। VO का गठन गाँव में क्या किया जाता है, आने जाने के लिए सरकारी योजनाओं से जुड़ाव हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर VO का गठन किया जाता है। आम सभा क्या लगाई जाती है, सदस्यों को समझाने के लिए आम सभा लगाई जाती है। पराक्रमी निधि किसे कहते हैं,
तो प्राकृतिक निधि कहते हैं आरएफ को, आरएफ फंड को। तो यहाँ पर इसके अलावा कुछ जीके के प्रश्न भी हो सकते हैं। देश के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो द्रौपदी मुर्मू जी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो योगी आदित्यनाथ। और इस तरह से कुछ जीके के भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। सीएलएफ के खाते से नकदी निकालने की किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो केवल सीएलएफ के ईसी सदस्य की अनुमति की आवश्यकता होती है। सब जैसे कि समूह में सब दीदी निर्णय करती बैठक में, वैसे ही सीएलएफ में कार्यकारी समिति के बीच निर्णय होता है, अनुमति होती है, और फिर जा कर के सीएलएफ के खाते से अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जा कर के पैसा निकाल सकती हैं। सीएलएफ से ऋण प्राप्त करने के लिए समूहों के आवश्यकता अनुरोध को कौन पारित करता है, तो ईसी सदस्य लोकतांत्रिक निर्णय। मतलब कि सीएलएफ से अगर समूह की दीदियों को उधार चाहिए है तो उधार के लिए अनुरोध जब करेंगी तो कौन उसको पास करेगा, सीएलएफ की कार्यकारी समिति के मध्य चर्चा होगी, मीटिंग होगी, उनके पास करने के बाद ही वो आपको वहाँ से फंड निर्गत हो पाएगा। तो ईसी सदस्य जो होते हैं वो कार्यकारी समिति होती है।